फतेहाबाद की जाट धर्मशाला में आज जेजेपी पार्टी की युवा विंग के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जेजेपी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सागवान ने की। इस सम्मेलन में पार्टी के द्वारा युवाओं को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए रविंद्र सांगवान ने बताया कि जेजेपी के द्वारा प्रदेश स्तर पर युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को अपने साथ जोड़ेगी। 10 युवाओं के जिम्मे एक बूथ का कार्यभार होगा। उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेगी। एनएलओ और बसपा गठबंधन में आई दरार और जेजेपी के गठबंधन को लेकर पूछे सवाल पर रविंद्र सागवान ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता इसको लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि वे जिला स्तर पर सम्मेलन का आयोजन करके युवाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए फतेहाबाद जिले में यूथ की मीटिंग हम लोगों ने की है और एक बूथ 10 यूथ का हमारा एजेंडा जो बूथ स्तर पर हमने कार्यकर्ताओं की जो नियुक्ति करनी है उसके विषय में युवा साथियों से बैठकर चर्चा की है, बातचीत की। हमारी पूरी युवा टीम गांव स्तर पर जाकर, वार्ड स्तर पर जाकर एक एक युवा साथी को पार्टी की नीतियों के बारे में बताने का काम करेंगे और नए युवा साथियों को हजारों की संख्या में हर गांव में, वार्ड में नए युवा साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन युवा साथियों की मदद से आने वाले लोकसभा में हमारे पास हरियाणा के अंदर युवा का सबसे मजबूत संगठन होगा और उस संगठन के दम पर लोकसभा की 10 सीटें हम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की झोली में, युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी की झोली में और जननायक जनता पार्टी की झोली में देने का काम करें।